स्टार्ट करते हैं अपने ओशियन और सीज के बारे में। हमने ओशियन और सीज में आर्कटिक ओशियन से जो बॉर्डर रखते हैं सीज उनके बारे में देख लिया, जो भी गल्फ थे उनके बारे में देख लिया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ मुझे बताना ये कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके, मुझे थोड़ा सा मैप लेने दे और दिखाई दे रहा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन बॉर्डरिंग सी ऑफ बॉर्डरिंग सी और गल्फ बता ये क्या है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर है ये साइबेरियन है। चल वापस है, एक नंबर यूकी सागर, दो नंबर साइबेरियन, तीन नंबर लेफ्ट है, चार नंबर कारा, पांच नंबर बैरन, छह नंबर वाइट। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच छह ये इससे लगे हुए थे, ये रसिया से लगे हुए थे सारे के सारे। आर्कटिक ओशियन के समुद्र सीज हैं, लगे हुए बॉर्डरिंग सीज हैं, लेकिन कौन से कंट्री से ये लोग बॉर्डर रखते हैं अपना, रसिया से। ठीक है, तो एक नंबर यूकी सागर, दो नंबर साइबेरियन, तीन नंबर लेफ्टेप, चार नंबर कर्रा, पांच नंबर बैरन और छह नंबर व्हाइट। ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे और रिलेटेड अगर हम बात करें तो आगे के देख लेते हैं। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें बताना यहाँ होगा सात नंबर ग्रीनलैंड, आठ नंबर फिन, नौ नंबर हटसन, फिर यहाँ आएगा दस नंबर अमनसन, ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर व्यू फोर। ठीक है, तो वो जितने के सारे थे वो किसके, जो कि वो सी थे आर्कटिक के। उसके बाद हमने अटलांटिक के देखा था, अटलांटिक में मैं देखता हूँ अटलांटिक बॉर्डरिंग दूसरा बॉर्डरिंग सी लेवल अटलांटिक ओशियन। अच्छा, कौन सा ओशियन है जिसका शेप एस के आकार का है, अटलांटिक है। ठीक है, ओके, तो अटलांटिक में हमने देखा था कि 11 तक यहाँ खत्म हुआ था, कंटिन्यू हम गए थे, कंटिन्यू में हमने देखा था 12 नंबर डेविस, 13 नंबर लेब्राडोर, 13 नंबर लेब्राडोर। उसके बाद हमने देखा था 14 नंबर मैक्सिको, 15 नंबर कैरेबियन और 16 नंबर सार गैसो। ठीक है, 16 नंबर सार गैसो
बहुत बढ़िया अटलांटिक में। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 17 नंबर नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन 17 नंबर नॉर्वेजियन, 18 नंबर नॉर्थ, 19 नंबर बाल्टिक, ठीक है 19 नंबर बाल्टिक। उसके बाद हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, उसके बाद 19 हो गया ना, 19 ठीक है, 19 के बाद अगर आएगा तो हमारा 20 नंबर, 20 नंबर में कहाँ देखेंगे बाल्टिक कॉलेज हो गया, ये 20 नंबर आयरिस, 21 नंबर इंग्लिश चैनल, 21 नंबर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल 21 नंबर इंग्लिश चैनल, 22 नंबर क्या है जिसके की खाड़ी, जिसके की खाड़ी, जिसके की खाड़ी। आगे देखते हैं क्या है 20 नंबर, 23, 23 नंबर मेडिटेरेनियन, 24 नंबर एशियाटिक, 25 नंबर एशियन, फिर देख ये जो इस्तांबुल दिख रहा है इस्तांबुल, 26 नंबर ये जो इधर है मरा मरा, ठीक है 26 नंबर मरा मरा, 27 नंबर 28 नंबर एजो, ठीक है 28 नंबर एजो। इतना हमने देख यहाँ पर देख ही चुके थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमको देखना था चीजें देखने को मिलेगा। यहाँ ये जो गल्फ ऑफ गिनी दिख रहा है, सर गल्फ ऑफ गिनी 28 हो चुका है यहाँ पे 28, यहाँ पर मुझे मिलेगा 29 नंबर, यहाँ पर मिलेगा 20 नंबर और 31 नंबर तो गल्फ ऑफ गिनी है, ठीक है देख 29 नंबर पर मिलेगा तुझे बेनिन बाइट, बेनिन बाइट, बेनिन बाइट, बी आई टी, बेनिन बाइट 29 नंबर, बेनिन बाइट 29 नंबर, बेनिन बाइट 29 नंबर, बेनिन बाइट 30 नंबर, पन्नी बाइट, पन्नी बाइट O डबल N Y, पन्नी बाइट, पन्नी बाइट 30 नंबर, पन्नी बाइट 29 नंबर, पेनिन बाइट, पेनिन बाइट और 30 नंबर पन्नी बाइट। उसके बाद 31 नंबर गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी 31 नंबर, गल्फ ऑफ गिनी 31 नंबर, गल्फ ऑफ गिनी गल्फ ऑफ गिनी 31 नंबर, 29 नंबर बेनिन बाइट, 30 नंबर बन्नी, बन्नी बोलना बन्नी तो अच्छा रहेगा बोलने में, बन्नी बाइट, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट और गिनी, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट और गिनी, ठीक है
बेनिन बाइट बंदी बाइट गिनी, 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 बेनिन बाइट बंदी बाइट गिनी। ठीक है, फिर आएगी नामीबिया के सामने, नामीबिया के सामने सामने तुझे मिलेगा वाल्विस, वाल्विस। ठीक है, कहां मैं पहले देखू 32 नंबर वाल्विस खाड़ी। ठीक है, वाल्विस बे, वाल्विस बे, वाल्विस बे। और फिर नीचे साउथ अफ्रीका के साइड मिल जाएगा 33 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना बे। ठीक है, सेंट हेलेना बे। तो 31 नंबर, 31, 31 गिनी, गिनी गल्फ ऑफ गिनी। 32 नंबर वाल्विस की खाड़ी, और 33 नंबर हेलेना, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना। 32 नंबर वाल्विस बे, वाल्विस बे, वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, बोलते रहे, बोलते रहे, वाल्विस की खाड़ी। 33 नंबर सेंट हेलेना, 33 नंबर सेंट हेलेना, 33 नंबर सेंट हेलेना, 33 नंबर सेंट हेलेना, 33 नंबर सेंट हेलेना। 32 नंबर वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस। 31 नंबर गिनी, 31 नंबर गिनी, 31 नंबर गिनी। 29 नंबर बेनिन बाइट, 29 नंबर बेनिन बाइट, 30 नंबर बन्नी बाइट, 30 नंबर बन्नी बाइट। इतना समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो थे किसके थे, ये अटलांटिक ओशियन के बॉर्डरिंग सीज थे और गल्फ। ठीक है, अटलांटिक ओशियन खत्म। अब हम चलते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशियन के बॉर्डरिंग सीज और गल्फ। ठीक है, तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग सीज गल्फ या बे, इसके इंडियन ओशियन के, इंडियन ओशियन के, हिंद महासागर के। ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर के। अब हम लाते हैं कहां से शुरू होता है, हम देखते हैं हमारा कहां से खत्म हुआ, कंटिन्यू करेंगे 35 से खत्म हुआ। ठीक है, ये दिख रहा है तिमोर सी, 34 नंबर तिमोर सी, तिमोर लिस्ट याद है, तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट की कैपिटल दिल्ली। ठीक है, तो 34 नंबर तिमोर सी, 34 नंबर तिमोर सी, 34 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर अंडमान सी, 35 नंबर अंडमान सी, 35 नंबर अंडमान सी, 36 नंबर बे ऑफ बंगाल, 36 नंबर बे ऑफ बंगाल, 36 नंबर बे ऑफ बंगाल, 37 नंबर लक्षद्वीप सी, 37 नंबर लक्षद्वीप सी। ठीक है, 37 नंबर लक्षद्वीप सी, ठीक है, लक्षद्वीप सी, 37 नंबर लक्षद्वीप सी, समझ में आया। फिर देख 38 नंबर अरेबियन सी, 38 नंबर अरेबियन सी, 38 नंबर अरेबियन सी, 38 नंबर अरेबियन सी। यहां पर मिलेगा 39 नंबर, मुझे मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, 39 नंबर ये ओमान के सामने क्या रहेगा, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ
गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान 39 नंबर, गल्फ ऑफ ओमान 39 नंबर, गल्फ ऑफ ओमान 40 नंबर, पर्शियन गल्फ 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 41 नंबर, गल्फ ऑफ एडन 41 नंबर, गल्फ ऑफ अडन, अडन की खाड़ी, अडन की खाड़ी, ठीक है, अडन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन 41 नंबर, गल्फ ऑफ एडन 42 नंबर, रेड सी 42 नंबर, रेड सी 42 नंबर, 42 नंबर, 42 नंबर, 34 34 नंबर, तिमोर सी, तिमोर सी, तिमोर सी 34 नंबर, तिमोर सी 35 नंबर, अंडमान सी 36 नंबर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी 37 नंबर, लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सी 38 नंबर, अरेबियन सी, अरेबियन सी 39 नंबर, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान 40 नंबर, पर्शियन गल्फ 40 नंबर, पर्शियन गल्फ 41 नंबर, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन 42 नंबर, रेड सी लाल सागर 42 नंबर, लाल सागर 42 नंबर, लाल सागर, ठीक है, रेड सी। अब देख तुझे यहाँ पर भी ये सब पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये सब पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये इंडियन ओशन में थोड़ी आते हैं, असल में जो मैंने इधर लगाया है ऐसे ऐसे सिर्फ वही इंडियन ओशन में भी कर दे। अभी नीचे और दो और बाकी है, एक मोजाम्बिक चैनल और एक ज्योग्राफिक वे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग और समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इंडियन ओशन टू, यहाँ पर सारा का सारा चीज तुझे वहां दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर मिलेगा तुझे तिमोर लिस्ट, ठीक है, तिमोर सी, फिर अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, फिर जो कि अरेबियन, फिर जो कि यहाँ पर तुझे गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, है ना, रेड सी। अब यहाँ पर तुझे मिलेगा यहाँ बीच में ये मोजाम्बिक चैनल, और यहाँ पर मिलेगा तुझे ज्योग्राफिक वे, ठीक है, ज्योग्राफिक वे। तो हम लोग कंटिन्यू अपने काउंटिंग के हिसाब से चलते हैं, यहाँ कितने खत्म हुआ है, यहाँ 42 पर, 42 पर, तो देख यहाँ पर 43 मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, और फिर यहाँ पर आएगा 44, 44 ज्योग्राफी वे, ज्योग्राफी वे, भूगोल की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी, इतना समझ में आ गया। तो इंडियन ओशियन में ये सारा का सारा जो एरिया दिखाई दे रहा है बीच में, ये क्या है, ये है इंडियन ओशियन, और इसी के लगे हुए ये सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, समुद्र और गल्फ है, ठीक है, बात समझ में आ गई इतना। तो इंडियन ओशियन से रिलेटेड जितने भी सी थे, जितने भी गल्फ थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया, याद हो गया ना, ठीक है, क्योंकि ये याद रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो तू ये नहीं समझ पाएगी कि स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट कभी भी दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। तो जब स्ट्रेट पढ़ाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा कि मोजाम्बिक चैनल, तो तुझे समझ में आना चाहिए कि अच्छा मोजाम्बिक चैनल कौन कौन से समुद्र को या कौन कौन से ओशियन को ज्वाइन कर रहा है, बस समझे, हाँ, इसीलिए ये ओशियन, ये सीज
और ये गल्फ वगैरह सब याद रहने चाहिए इनकी लोकेशन। जैसे ही मैं बोलू तिमोर लिस्ट, तो तेरा ध्यान हमेशा यही ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाना चाहिए, ना कि तू जो कि अमेरिका में खोजने बैठेगी ओ हो तिमोर लिस्ट कहाँ है। बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पैसिफिक ओशियन के बॉर्डरिंग सी। ठीक है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये? चौथा नंबर। चौथा नंबर बॉर्डरिंग सी और गल्फ ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, प्रशांत महासागर के सीमांत समुद्र सागर, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर के सीमांत सागर। बिल्कुल, क्या हिंदी वाले खुश हो जाएंगे। प्रशांत महासागर के सीमांत सागर या खाड़ी, चलो शुरू करते हैं। पैसिफिक वन यहां से शुरू होगा, यहाँ समझना। कुछ चीजें हैं जो तुझे मैप पर तू सर्च करेगी तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं उसे यहाँ लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से नंबर पे खत्म हुआ था? 44। 45 तस्मांसी, 45 तस्मांसी। तस्मांसी ये किसका बॉर्डरिंग सी है? हम लोग पैसिफिक ओशियन के पढ़ रहे हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशियन के, इतना क्लियर है? उसके बाद इसके ऊपर देखेगी, इसके ऊपर तुझे मिलेगा 46 नंबर, इसको कहते हैं मेलानेशियन सी। और इसी के ऊपर 47 नंबर आएगा, उसको कहते हैं कोरो सी। ये तुझे मैप पर नहीं दिखेगा सर्च करने पर। ठीक है, हाँ मैप पर नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो है कोरल सी 48 नंबर, कोरल सी ये यहाँ दिख रहा है। तो तुझे यहाँ से कितना याद रखना है? पहले ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए चार, कौन सा? तस्मान सी, मेलानेशिया सी, कोरो सी, कोरल सी। बोल 45 तस्मान सी, 45 तस्मान सी, 46 मेलानेशियन सी, 46 मेलानेशियन सी, 47 कोरोसी, 47 कोरोसी, 48 कोरल सी, 48 कोरल सी, 48 कोरल सी। ठीक है, ओके बता। 45 तस्मान सी, 46 मेलानेशियन सी, 47 कोरो सी, 48 कोरल सी। ठीक है, कोरल सी, ओके आगे समझते हैं। अब देख 48 कोरल सी तक हमने देख लिया है। 49 सोलोमन सी, ठीक है, 49 सोलोमन सी, 49 सोलोमन सी, 49 सोलोमन सी, 49 सोलोमन सी, 50 बिस्मार्क सी, 50 बिस्मार्क सी, 50 बिस्मार्क सी, 49 सोलोमन सी, 49 सोलोमन सी, 50 बिस्मार्क सी, 50 बिस्मार्क सी।
51 आरापुरा सिंह, 51 आरापुरा सिंह, 51 आरापुरा सिंह, 51 आरापुरा सिंह। क्या तिमोर सी आएगा इसमें? नहीं। फिर आएगा 52 बांडा सिंह, बांडा सिंह, 52 बांडा सिंह, 52 बांडा सिंह, 52 बांडा सिंह, 53 सेलेब सिंह, सेलेब सिंह, 53 सेलेब सिंह, 53 सेलेब सिंह, सेलेब सिंह। फिर आएगा 54 जावा सिंह, 54 जावा सिंह, 54 जावा सिंह, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, 56 साउथ चाइना सी, 56 साउथ चाइना सी। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र साउथ चाइना सी, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र साउथ चाइना सी। ठीक है, अभी लास्ट में सब लिखवा दूंगा, पहले हाथ मत। 56 साउथ चाइना सी, 56 साउथ चाइना सी, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 55 गल्फ ऑफ थाईलैंड, 56 साउथ चाइना सी, 57 फिलीपींस सी, 57 फिलीपींस सी, 57 फिलीपींस सी, 57 फिलीपींस सी। आगे रहे, सेवन तक हो गया फिलीपींस, सेवन तक हो गया ना फिलीपींस। 58 ईस्ट चाइना सी, 58 ईस्ट चाइना सी, 59 एलओ सी, 59 एलओ सी, 59 एलओ सी, 59 एलओ सी, 60 सी ऑफ जापान। ठीक है, 60 सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। उसके बाद 61 ओत्सोक सी, ओखोत 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 सी, ओखोत सी, ओखोत। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओखोत, ओखोत सी, 61 ओखोत। ठीक है, ओखोत सी, 61 ओखोत सी, 61 ओखोत सी, 62 बेयरिंग सी, 62 बेयरिंग सी, बेयरिंग सी, 62 बेयरिंग सी, 62 बेयरिंग सी, 62 बेयरिंग सी। ठीक है, 62 तक हमने देख लिया, 62 बेयरिंग सी, 63 गल्फ ऑफ अलास्का, 63 गल्फ ऑफ अलास्का, और 64 कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। समझ में आ, ये सारे के सारे किस ओशियन के सीज थे? पैसिफिक ओशियन के। चल वापस से याद कर, पैसिफिक ओशियन को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसमें दिख रहा है पैसिफिक ओशियन, बताना। मैं पॉइंट करूंगा वहां पर, बताना। एक नंबर, दो नंबर मेलानेशिया, मेला मेलानेशिया, मेलानेशिया। तीन नंबर कोरो, चार नंबर कोरल, पांच नंबर गिनी यार, पपुआ न्यू गिनी देश है तो नहीं आता है, लेकिन पांच नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर हम काउंट करें? सोलोमन, सोलोमन। छह नंबर बिस्मार्क, छह नंबर बिस्मार्क, छह नंबर बिस्मार्क, छह
छह नंबर बिस्मार, सात नंबर क्या हो जाएगा आरापुरा, आरापुरा, आठ नंबर जावा, नौ नंबर गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर मिलेगा दस नंबर सेलेब्स, दस नंबर सेलेब्स, सेलेब्स, ठीक है दस नंबर सेलेब्स। फिर यहीं पर छूट गया बांडासी, ठीक है बांडासी, बांडासी। फिर यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये चाइना, साउथ चाइना सी, ग्यारह नंबर साउथ चाइना सी, ग्यारह नंबर साउथ चाइना सी, ठीक है साउथ चाइना सी। फिर यहां पर आ जाएगा बारह नंबर ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। यहां आ जाएगा फिलीपीन सागर, फिलीपीन सागर। यहां पर एलो, एलो सी, एलो सी, इधर सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। यहाँ हो जाएगा ओकोट्स, यहाँ ओकोट्स। यहाँ हो जाएगा बेरिंग, बेरिंग, बेरिंग। यहाँ पर अलास्का, अलास्का, और यहाँ पर कैलिफोर्निया। बात समझ में आया इतना? ये सारे सारे कौन थे? पैसिफिक ओशियन के बॉर्डरिंग सीज एंड गल्फ, पैसिफिक ओशियन के बॉर्डरिंग सीज एंड गल्फ। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गए हमारे पैसिफिक ओशियन, हो गया चौथा नंबर का ओशियन। टोटल हमने कितने ओशियंस देखे थे? पांच। तो कौन सा बच गया? सदर्न ओशियन। तो हम वो भी लिख लेते हैं, पांचवा नंबर बॉर्डरिंग सी, बॉर्डरिंग सी गल्फ और स्ट्रेट ऑफ सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। अब देख सदर्न ओशियन को पहले मैं तुझे इस मैप पर दिखा देता हूँ, फिर इसको जो नॉर्मली स्ट्रेट मैप रहता है उस पर समझाऊंगा, ठीक है कहाँ कहाँ है। अब देख यहाँ स्टार्ट होता है तेरा जो सदर्न ओशियन रहेगा, ये वाला पोर्शन दिख रही है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे 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 करते हुए यहाँ खत्म होता है जब हम इसको ओपन करेंगे स्ट्रेट पर। तो ये इसको पहले ये सेक्शन समझा देता हूँ, एक ले लेता हूँ यहाँ पे यहाँ, ये वाला सिस्टम दिख रहा है, ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो सिस्टम है ये है यहाँ पे, बात समझ में? तो यानी हम जाएंगे ऐसे 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 और यहाँ खत्म होगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे और यहाँ खत्म होगा, ठीक है। तो मैप क्लियर है ये? अभी मैं यहाँ से पहले सब समझाता हूँ और फिर बताना। जैसे एक नंबर रॉस सी, एक नंबर रॉस सी, दो नंबर एबीसी, दो नंबर एबीसी, तीन नंबर वेडल सी, तीन नंबर वेडल सी, चार नंबर स्कोसिया, इसको स्कॉटिया नहीं स्कोसिया कहते हैं, स्कोसिया, ठीक है स्कोसिया, स्कोसिया, चार नंबर स्कोसिया सी, चार नंबर स्कोसिया सी। अब देख ये साउथ अमेरिका है और ये है तेरा अटलांटिक, अंटार्कटिक, ठीक है अंटार्कटिक।
इसके बीच में एक पास है, इसके बीच में एक समुद्री रास्ता है जिसे हम लोग पास कहते हैं, तो वो पास को कहते हैं ट्रैक पैसेज। ठीक है, ट्रैक पैसेज मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ट्रैक पैसेज कह दे रहा है, TRAKE, ट्रैक पैसेज। ठीक है, ऐसे तो बता पांच नंबर क्या हो जाएगा, ट्रैक पैसेज, पांच नंबर ट्रैक पैसेज, और छह नंबर हो जाएगा अमनसन सी, अमनसन सी। ठीक है, अमनसन सी, तूने एक अमनसन सी कहां पढ़ा था, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, जो कनाडा वाला सिस्टम है ऊपर वाला एकदम, आर्कटिक ओशियन के सीमांत सागर में। ठीक है, तो एक अमनसन यहाँ भी है, तो देखना ध्यान से कि अगर कभी पूछता है तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख, एक नंबर यहाँ क्या है, रॉस सी, दो नंबर डेविस सी, तीन नंबर वेडल सी, चार नंबर स्कोसिया सी, स्कोसिया सी, पांच नंबर ट्रैक पैसेज, छह नंबर अमनसन सी, अमनसन सी। अब देख हमारा खत्म कहाँ हुआ था, 64 पर। ठीक है, 64 पर, तो अगर मैं यहां कहूं 65 रॉस, 66 डेविस, 67 वेडल, 68 स्कोसिया, 69 ट्रैक पैसेज, और 70 अमनसन। ठीक है, अमनसन, इतना क्लियर हुआ, अमनसन। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमने पढ़ा, ये सारा का सारा क्या था, सीज और गल या तेरे स्ट्रेट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये तो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, लेकिन ये सब जो ओशियन है, जो सम ओशियन है, कौन सा कहलाएगा ओशियन, ये सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ये भी है सदर्न ओशियन, है ना, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन में 65 पर क्या हो जाएगा, 65 रॉस सी, रॉस सी, 66 पर डेविस सी, डेविस सी, 67 पर वेडल सी, वेडल सी। ठीक है, वेडल सी, और 68 पर स्कोसिया। ठीक है, स्कोसिया, स्कोसिया। ठीक है, 69 पर ट्रैक पैसेज, ट्रैक पैसेज, ट्रैक पैसेज, और 70 पर अमनसन, अमनसन, अमनसन। ठीक है, अमनसन, क्लियर हो गया, यहाँ पर वही लिखा हुआ है सब, यहां से देख करके तू मिला ले, इतना क्लियर है। अब देख मैं एक बार वर्ल्ड मैप लगाता हूं पूरा, पूरा वर्ल्ड दिख रहा है अब तुझे, यहां पर अगर मैं पूछूंगा तो सारे के सारे समुद्र को एक साथ में बता देगी। ओके, बता, एक नंबर भूमध्य सागर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, हाँ, छह नंबर वाई। ठीक है, चूकी सागर, लैपटॉप सागर, चूकी सागर, लैपटॉप सागर, साइबेरियन सागर, चूकी सागर, साइबेरियन सागर, लैपटॉप सागर, कारा सागर,
बैरन सागर, व्हाइट सागर, ठीक है, चूकी चूकी साइबेरिया लैपटॉप, चूकी साइबेरिया लैपटॉप, चूकी साइबेरिया में लैपटॉप है, काला है कारा सागर, बैरन काला बैग में बैरन सी, और व्हाइट है व्हाइट सी, ठीक है, चूकी साइबेरिया में लैपटॉप है, काला बैग है व्हाइट सी, ठीक है, चूकी साइबेरिया में लैपटॉप है, काला बैग है व्हाइट सी, इससे नॉर्मली याद रहेगा, बाकी तो सारा का सारा याद हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर 7 नंबर ग्रीनलैंड, 8 नंबर पफिन, 9 नंबर हडसन, 10 नंबर अमनसन, 11 नंबर रिपोर्ट, ये सारे के सारे हो गए किसके, आर्कटिक के, आर्कटिक के, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अटलांटिक पर, अटलांटिक पर 11, तो यहां से हो जाएगा 12 नंबर डेविस स्ट्रेट, ठीक है, 13 नंबर लेब्राडोर, 14 नंबर मैक्सिको, ठीक है, 15 नंबर कैरेबियन, 16 नंबर सारगैसो, 16 नंबर सारगैसो, 17 नंबर नॉर्वेजियन, नॉर्वे के सामने नॉर्वेजियन, 18 नंबर नॉर्थ सी, 19 बाल्टिक, 20 आयरिश, 20 आयरिश, 21 इसके, 21 इसके, 22 मेडिटेरेनियन, 23 एड्रियाटिक, 24 एजियन, क्या बात है, 25 मारा, 26 ब्लैक सी, 27 एजोब सागर, 27 एजोब सागर, 28 पेनी, 29 पन्नी, 30 गिनी, 31 31 32 सेंट हेलेना, 31 पे वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस 31 पे वाल्विस, 32 पर सेंट हेलेना, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 33 इंडियन ओशन में आ जाते हैं, तिमोर सी, 33 तिमोर सी, 33 तिमोर सी, 34 अंडमान सी, 35 बे ऑफ बंगाल, 36 लक्षद्वीप, 37 अरेबियन, 38 ओमान, 39 पर्शियन, 40 अडन, 41 रेड सी, 42 मोजाम्बिक, 43 ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ओशन खत्म हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, ओके, ठीक है। देख यहाँ से शुरू करते हैं, 44 तस्मान सी, 45 मेलानेशियन, 46 कोरो, 47 कोरल, 48 सोलोमन, 49 सेलेप्स, 50 आरापुरा, 50 आरापुरा, 51 जावा, 52 पांडा, 53 थाईलैंड, 54
सदर्न चाइना सी 55, फिलिपीन 56, ईस्ट चाइना सी 57, जापान इधर है, ये येलो है, येलो 58, जापान फिर 59, ओखोत्स खांसी आती है ना, ओहो वही बोल देना, ओखोत्स 60, बेरिंग 61, अलास्का 62, कैलिफोर्निया, ठीक है ये हो गया खत्म इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, ये सदर्न ओशियन का, ठीक है 63, रॉस 64, डेविस 65, वेडल 66, कोर्सिया 67, ब्रैक 68, अमनसन, हमसे कोई तो दो समुद्र छूट गया है, हाँ एक इंग्लिश चैनल बीच वाला छूटा है और एक कौन सा, क्योंकि टोटल अगर हम समुद्र खाड़ी वाड़ी मिला ले तो टोटल पूरी दुनिया में हमको 70 के आसपास पढ़ने हैं, ठीक है 70 के आसपास, ठीक है तो ये सारा का सारा था, पूरी दुनिया में हमने कौन से देख लिए, समुद्र देख लिए, खाड़ी देख लिए, बे वगैरह देख लिए, स्ट्रेट अभी स्ट्रेट नहीं देखे हैं, बे और सी को देखे हैं हम, ठीक है ये पूरा हमारा क्या खत्म होता है सी, ठीक है इतना क्लियर हो गया, सब दिखा भी दिया, सब पढ़ा भी दिया, याद भी करवा दिया, ठीक है अब इसको बस ओपन कर करके क्या करते रहना, रिवीजन मारते रहना, ठीक है नहीं तो ये अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर समझ ले कि इसके बाद जब स्ट्रेट पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेट समझ नहीं पाएगी कि अच्छा स्ट्रेट का काम क्या है, ठीक है हाँ तो ये सबका सब याद रखना, आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी हम कल करेंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, आगे इसमें कुछ चीजें इंक्लूड मैं बता देता हूँ, उसको भी यहीं खत्म कर देते हैं। कहेगा कि ऐसा कौन सा समुद्र है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, बता इसमें देख करके बता, ऐसा कौन सा समुद्र है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, रेड सी, अरे इधर तो रेड सी जाने के लिए रास्ता है, इधर पूरा जमीन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ये अरे वो इतना पतला चैनल है कि वो नेग्लेजिबल हो जाता है, मेडिटेरेनियन सी का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सारा सारा देख, ऊपर भी क्या है पूरा जमीन है, नीचे भी जमीन है, ईस्ट में भी जमीन है, वेस्ट में भी जमीन है, ठीक है तो कहेगा कि ऐसा कौन सा समुद्र है जो पूरी तरीके से क्या है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है जमीन से घिरा हुआ है, तो वो है मेडिटेरेनियन सी, इसमें देख क्या याद रखेगी, लैंड लॉक्ड सी मेडिटेरेनियन, ठीक है उसके बाद कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा सी, वर्ल्ड लार्जेस्ट सी, सदर्न चाइना सी। उसके बाद कहेगा कि जो रेड सी है, रेड सी का
कलर रेड क्यों हुआ? कौन से एलजी? रेड कलर ऑफ रेड सी ट्राइकोडेसमियम एलजी ट्राइकोडेसमियम एलजी डेसमियम एल ई बात समझ आ गया? तो ये थोड़ी मोड़ी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको याद रखना, बाकी आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है।